What's up? Welcome back to Seasons with Palak, and today I have my mom with me, and today we are going to play a game. A lot of you were asking me to do some challenges or some interesting videos like this, which I used to do earlier. So I thought this would be very interesting to play this game with her. So I will ask her some questions, and on the count of three, we together have to say I have or I have it. Okay? Let's just get started. Question number one is, never have I ever lied to my daughter / mom. 1, 2, 3. I have. Of course, like obviously, right? I don't remember a particular event or situation when we lied to each other, but I think हर कोई झूठ बोलता है यार, चलता है ऐसा. तो never have I ever got drunk. 1, 2, 3. I have never. Yeah, we both haven't. Question number 3 is, never have I ever sent a text message to a wrong person and then regret it. 1, 2, 3. I have. Then मैनी है टाइम कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि रॉन्ग उससे व्हाट्सएप हो जाता है, मैसेज किसी और ग्रुप में डालना था और किसी और ग्रुप में चला जाता है, ऐसा होता है कई दफ़ा. देन आई हैव टू रिग्रेट इट. मीन्स लाइक आई एम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है? तो हमारे इसमें एक रूल होता है कि उस बुद्धिज़्म जो हमारा वो जो ग्रुप बना हुआ होता है मेम्बर्स का, तो उसमें हम कोई भी बुद्धिज़्म के अलावा कोई और मैसेज नहीं पोस्ट कर सकते. बट समटाइम्स इट्स सो हैपन कि किसी फ्रेंड को पोस्ट हो रहा है मैसेज और उस ग्रुप में हो जाता है, सो आई रिग्रेट इट. देन मेरे साथ एक बार क्या हुआ था कि मेरी फ्रेंड लिस्ट में ना दो लड़कियां थी सेम नाम से, और मेरे को किसी और को मैसेज भेजा था और मैंने किसी और को भेज दिया. मतलब मेरे से अपनी प्रॉब्लम डाली थी कि यार मेरे साथ ये हो रहा है लाइफ में एंड आई एम सो अपसेट. एंड वो भी मुझे, उसको भी लगा था कि मैं सच में बता रही हूँ, और मुझे एडवाइस दे रही थी कि यार नहीं यार कोई बात नहीं यार, मगर मैं उसको बता नहीं चाहती. जैसे मेरे को रियलाइज हुआ कि ये तो वो है ही नहीं, मैंने इसको बोला हाँ चलो ठीक है बाय, और मैंने दूसरे को बताना शुरू कर दिया. मैंने उसको बहुत रिग्रेट करा इस चीज़ को बाद में कि मैंने किसी गलत इंसान को बता दिया सब कुछ. नेवर हैव आई एवर वेंट आउट विदाउट परमिशन फ्रॉम माई पेरेंट्स. 1, 2, 3. I haven't. सही में? हाँ ऐसा हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा जैसे अब हमारे पेरेंट्स थे, ठीक है, दिस इज 20 years back. मैं आपको बता रही हूँ कि 20 साल पहले जब मेरे पेरेंट्स थे, मैं बहुत यंग थी, तो वी आर नॉट अलाउड टू मूव आउट ऑफ हाउस आफ्टर 6 PM. 6 बजे के बाद कोई परमिशन नहीं था कि घर से बाहर निकलना है. तो ऑब्वियसली अब और है सोशल सेटअप, अब डिफरेंट हो चुका है कि बच्चे चले जाते हैं पार्टी वगैरह एवरीथिंग. बट पलक तो नहीं जाती लेट नाइट, बट स्टिल आई सी पीपल कि बच्चे जाते हैं, नाइट आउट्स जाते हैं, सब कुछ जाते हैं. बट उस टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था, और हम लोगों को अपने पेरेंट्स की सुननी पड़ती थी. तो हम लोग 6 बजे के बाद, 6 PM वॉज अ डेड लाइन फॉर अस, कि उसके बाद हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे. अगर जाना भी है तो ब्रदर या पापा के साथ जाना है, बट अकेले वी कुडंट, वी आर नॉट सपोज टू मूव आउट ऑफ हाउस अलोन. सो ऐसा कभी नहीं हुआ. Never have I ever did something that my parents don't know till date. 1, 2, 3. I haven't. Really? Oh, I have done. तो मतलब आपको मम्मा पापा को सब कुछ पता है अभी तक आपने जो भी करा है? नहीं, maybe I have answered it wrongly. I have done many things which my parents don't know. Yeah. We have to do many things which we cannot share with our parents. Obviously. Yeah. Because of a generation gap, yeah. Yeah, same goes with me. I mean, there are not a lot of a list of things that she can suspect me on, but yeah, there are some things like कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अपने पास ही रखनी पड़ती है, और हम अपने पीयर ग्रुप से ज़्यादा शेयर करना प्रेफर करते हैं rather than उससे जो हमसे बहुत बड़ा है और जो उनकी मेंटालिटी हमसे थोड़ी डिफरेंट है, जो डिफरेंटली सोचते हैं, वो उसको गलत ले सकते हैं तो हम सोचते हैं. बट नेवर हैव आई एवर स्टोलन समथिंग. Let's be honest. 1, 2, 3. I have. Many times. When? For example? When? I think I should not disclose it, but hopefully I'll share it with you that at times it so happened that you need some money and
व्हाट एल्स यू कैन डू, जस्ट हस्बैंड के पर्स में से ही आप पैसे निकाल लोगे जितने आपको थोड़े बहुत चाहिए या जो भी है. सो मैनी अ टाइम आई डू दैट विदाउट टेलिंग हिम. आई हैव मैनी अ टाइम्स मैं क्या करती थी कि मम्मा के रूम में ना एक अलमीरा एक ड्रॉर में कॉइन्स का बॉक्स पड़ा था ना, मैं क्या करती थी उसमें से जा जाके ना कई दो बार कॉइन्स चुरा चुरा के अपने पर्स में भर दी रहती थी. एक और चीज़ मैंने करी है, आई एम वेरी गिल्टी, जब मैं बहुत छोटी थी मगर मेरे को फिर से इंसिडेंट याद है ये, मैंने अपनी फ्रेंड का लिप बाम चुरा लिया था. तेरे पास कितने लिप बाम है? मैं बहुत छोटी थी और उसके पास कोई स्ट्रॉबेरी कलर का था और आई एम सॉरी, वैसे उसको पता भी नहीं होगा, मेरे को देखती भी नहीं है और हम फ्रेंड्स भी नहीं है. नेवर हैव आई एवर forgot to flush after using washroom. 1, 2, 3. No, I never forget. Never. I have. क्योंकि क्या होता है ना, मैं अपना फ़ोन लेके जाती हूँ वॉशरूम में एंड यूज़ करने के बाद मेरे फ़ोन में बिजी होती हूँ और फिर मैं यू नो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी. आज मुझे पता पड़ा कि क्या रीज़न है. हर बार होता है, कभी कभार, कभी बहुत कभी कभार. Never have I ever walked out of a movie in between because it was bad. 1, 2, 3. I have. Yes, I also haven't. We just go to enjoy. If movie is not good, what's there? We just can enjoy our popcorn and cold drink. That's exactly. And come back home. Yeah. Why we need to move out? आज तक वैसे कभी इतनी बैड मूवी मैंने कभी देखी भी नहीं. मैंने भी एक दफा ऐसा हुआ था कि हम लोग फ्रेंड्स किटी सर्कल में गए थे, किटी ग्रुप था हमारा और हम लोग मूवी देखने के लिए गए थे. सो मूवी वॉज सो बोरिंग बट वी स्टिल एंजॉयड अ लॉट. वाई? बिकॉज हम लोगों को गॉसिप करने के लिए मिल गया था उस समय, तो हम लोग एक दूसरे से अपनी अपनी गॉसिप 3 hours गॉसिपिंग. सो वी एंजॉयड इट इवन मोर आई थिंक. बाहर निकलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. वी कैन एंजॉय इट अदर वे अराउंड. नेवर हैव आई एवर ट्राइड टू कट माय ओन हेयर. 1, 2, 3. आई हैवंट बट पलक हैज. व्हेन शी वाज वेरी यंग गर्ल तब उसने एक दफा अपने बहुत सारे आई डोंट नो व्हाट शी वाज अप टू, इसको कुछ हेयर स्टाइलिस्ट से देखा था और इसको कुछ चाहिए था एंड शी जस्ट मूव्ड इनटू द बाथरूम वॉशरूम एंड शी जस्ट कट इट जस्ट लाइक दैट कि पता नहीं वॉट शी वॉन्टेड. और जब ये बाथरूम से बाहर आई तो इसके इतने लंबे बाल, बहुत लंबे बाल थे तब इसके बेस लाइन तक, तो वो इसके इतने लंबे लंबे इतने बड़े बड़े गुच्छे मैंने अपने हाथों से निकाले कि और वॉट यू हैव डन, ये समझ में नहीं आया कि इसने क्या किया था उस दिन. और तब ये बहुत छोटी, मेरे ख्याल से 6 या 7 years की थी. बहुत डांट पड़ी होगी मुझे. नहीं, मेरी शुरू से हैबिट नहीं है कि मैं बच्चों को डांटूं. मैं हर चीज़ को बहुत ही कूलली लेती हूँ. मैंने इनफैक्ट उसको समझाया है कि क्या व्हाट यू हैव डन, सी यू हैव स्पॉइल्ड ऑल योर हेयर. बट स्टिल मैंने उसको भी बहुत अच्छा करवा दिया था कि मैंने इसको साथ ना कट, यहाँ से छोटे छोटे हेयर फोरहेड पे और यहाँ से ब्लंड्स कट करवा दिए थे. तो उसको मैंने, उसी को मैंने बेटर करने की कोशिश की. बट मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज मॉम्स हू कीप ऑन स्कोल्डिंग किड्स फॉर इवन कभी खराब मार्क्स भी आ जाए बच्चों के या एनी थिंग वॉट एवर इट इज. आई फील दैट देर इज़ अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, वाई नॉट डील इट कूली. सो आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ मॉम की पहले तो गुस्सा डांट वगैरह और उसके बाद क्या नू. आई स्ट्रेट अवे डील एवरी थिंग विद अ वेरी कूल माइंड एंड आई वॉन्ट टू कंटिन्यू इट ऑल्सो. उसका रिजल्ट ये है कि मेरे दोनों बच्चे पलक एंड रितेश दोनों मेरे साथ इतने ओपनली बिहेव करते हैं. दे टॉक टू मी एवरी थिंग दे वॉन्ट टू डू क्योंकि उनको पता है कि मम्मा बहुत कूलली लेगी हर बात को और उसका सॉल्यूशन ही देगी. Yeah, that's true. Never have I ever danced in bathroom. 1, 2, 3. I have. Because actually, from my childhood, I am a bathroom dancer only. क्योंकि मैं इतने शाई हूँ शुरू से ही, जब से मैं छोटी सी लड़की थी. पलक तो अभी भी बहुत शाई है डांसिंग के मामले में, स्पेशली डांसिंग के मामले में पलक अभी भी है शाई.
तो यही होता था कि मैं बाहर तो किसी के सामने डांस नहीं कर पाती, तो आई यूज टू डांस इन माई बाथरूम इन माई शावर। मेरी बाथरूम स्टोरी बहुत अमेजिंग है। मैं ना गाने चलाती हूँ बड़ी लाउड पे, और उसके बाद मैं सिर्फ प्रिटेंड करती हूँ कि मेरे आगे बहुत सारी ऑडियंस बैठी है और मैं डांस कर रही हूँ और सब मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। बिकॉज स्टार्टिंग से मेरे को हैना मंटाना में इतना इंटरेस्ट था, आई वॉन्ट टू बी लाइक हर, सो आई ऑलवेज फैंटिसाइज कि मुझे ऐसा क्राउड चाहिए। या आई हैड एवरीथिंग, एवरीथिंग जो हैना मंटाना यूज मतलब जो उसके पास था, उसकी मतलब कपड़ों से लेके टॉवल, बेडशीट, कवर, सीरीज, मैगजीन, सब कुछ। नेवर हैव आई एवर रेड अ नॉवल इन वन डे। वन टू थ्री आई हैव मैनी टाइम्स व्हेन आई वाज यहाँ पर मतलब नॉवल वगैरह जो थे एंटरटेनमेंट का सोर्स। हाँ, क्योंकि तब टीवी पे ये केबल टीवी वगैरह या मूवीज और हर समय इतने ज़्यादा चैनल्स वगैरह नहीं आते थे, तो वी यूज टू आई यूज टू रीड नॉवल्स ओनली, आई लव देम। एट दैट टाइम वी यूज टू रीड दीज मिल्स एंड बून्स, दीज नॉवल्स एम बीज लिटिल स्मॉल स्मॉल लव स्टोरीज, वेरी रोमांटिक स्टोरीज, सो आई जस्ट लव टू रीड दम। Especially when I was younger, so I loved it. And I had these were very small books, so we could just finish it off in one single day only, and that was my hobby. I did it many times. I think मैंने जितनी बार भी novel पढ़ी वो सिर्फ इसलिए क्योंकि school में holiday homework में novel मिली थी। उसके अलावा मैं ऐसे कभी novel नहीं पढ़ी। I hate novels, I hate reading. मतलब कि school novels भी मैंने बहुत बार read करे हैं in very one single day, just to finish off our homeworks. Yeah, that's true. Never have I ever lied to a person that I liked the gift, but I didn't. One, two, three. I have many a time. Exactly. Actually, मुझे तो बहुत ही खराब लगेगा कि अगर कोई कोई भी person मुझे कोई gift देता है और मैं उसके मुँह पे बोल दूँ कि I didn't like it, या मेरे पास ऐसा तो बहुत सारा है वगैरह वगैरह। So I'm not that sort of person. अगर कोई भी मुझे कोई गिफ्ट दे रहा है तो मैं बहुत प्यार से उसको एक्सेप्ट करती हूँ, चाहे वो मुझे बिल्कुल पसंद ना आए, चाहे वो मुझे डस्टबिन में फेंकना पड़े, बट उस पर्सन को मैं कभी नहीं बोलूँगी कि क्या दे दिया तुमने या आई डोंट लाइक इट, आई एम नॉट दैट। नॉर्मली ना दूसरों के गिफ्ट पसंद आते नहीं है, बिकॉज मेरे को लगता है कि मेरी चॉइस कुछ अलग ही है। और जैसे कुछ लोग पेंसिल बॉक्स गिफ्ट करते हैं इस एज में भी, कुछ लोग चॉकलेट का वो दिवाली वाला पैक बर्थडे पे गिफ्ट कर देते हैं, तो मुझे थोड़ी चिढ़ बचती थी चीज़ों से, सच बताऊँ तो ओके हम भी आगे पास ऑन कर देते हैं खुशी खुशी। और कोई मुझे कपड़े गिफ्ट करते तो मुझे बहुत रेयर चांस होता है कि मुझे पसंद आ जाए कपड़े किसी के गिफ्ट करे, बिकॉज मुझे अपनी शॉपिंग करना खुद ही पसंद है, मतलब मैं किसी की दी हुई चीज़ पहन ही नहीं सकती, मुझे पसंद ही नहीं आता। दैट वॉज अ सेशन, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप बटन एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो if you like it or not, and also send in more questions to us on my Instagram page or Facebook page or in the comment section below. I will take that for the second part of the same video, and don't forget to share it. Keep watching.